मेरा नाम बसु कौर सेका होता है। मैं चूरू से हूँ और मैं यहाँ पर आर्मी की फिजिकल की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ से मैंने ना आर्मी का रिटर्न क्लियर किया था। कुछ बालिकाएं मेरे साथ और है जिनका हाल ही के अंदर विभिन्न नौकरियों के अंदर सिलेक्शन हुआ है। बेटा सबसे पहले तो अपना नाम बताओ। हंसा खीचड़। हंसा खीचड़, तो किस में सिलेक्शन हुआ आपका? अग्निवीर जीडी। अग्निवीर जीडी, तो मतलब अग्निवीर बन गई है। तो यहाँ पर कितने टाइम प्रैक्टिस करी? 2 महीने। 2 महीने फिजिकल या रिटर्न? फिजिकल। फिजिकल करी। तो यहाँ पे क्या मतलब यहाँ के जो एनवायरनमेंट से आपको क्या बेनिफिट मिला इसमें अग्निवीर बनने में? सर बहुत कुछ मिला। यहाँ के जो कोच सर हैं वो बहुत बहुत बेस्ट हैं। कोई शब्द नहीं है मेरे लिए उनके लिए कुछ कहने में। डाका सर और दुर्जन सर बहुत ही अच्छे हैं। इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं कि शायद कोई और। कोच साहब सामने, कोच साहब सामने खड़े हैं इसलिए तो बड़ाई नहीं कर रही। सर नहीं सर, सच में बहुत अच्छे हैं। सच में गए? हाँ सर। नहीं कहीं कोच साहब सामने खड़े हों तो भाई ठीक है, उनको खुश कर जाऊँ। नहीं सर, हमारे साथ हमेशा ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमारे पापा हों। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ कुछ मतलब गलत है, अच्छा है, बुरा है। नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो चलो आप इधर आओ बेटा, आप आओ आगे आओ। अपना पहले तो परिचय। संजू जानदू। संजू जानदू। जानदू या जानू? जानदू। ये जानदू और होते हैं क्या? मेरा एक दोस्त है जानू, और यहाँ एक एकेडमी में यहाँ ब्रिगेडियर भी हैं जानू साहब, तो मैं तो हम तो जानू ही सुना था। नहीं सर। तो हाँ हाँ जानदू हैं। तो आपका किस में सिलेक्शन हुआ? एयरफोर्स और आर्मी दोनों में। दोनों में? वाह, तूने तो कमाल कर दिया। हाँ सर। तो लगती ही नहीं आर्मी से, गुड़िया सी लग रही है और बिल्कुल आर्मी मैन बन गई है। हाँ सर। तो अब ये बता, पहले तो ये है कि अपने अपनी जो भारत की सेना है उसका सब झगड़ा होता है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो क्या करेगी? सर युद्ध करेंगे। युद्ध करेगी पाकिस्तानियों के साथ है, मतलब पाकिस्तान को सबक सिखाएगी सिखाएगी। हाँ, अच्छा यहाँ पे क्या मतलब शंभू डिफेंस अकेडमी में क्या मतलब आपको सहायता मिली, किस तरह से ये परीक्षा पास की? सर बहुत अच्छे से फिजिकल होता है यहाँ पे सुबह, उसके बाद क्लासेस लगती है, वो टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो ये तेरी आवाज़ इतनी कम है, तो वहाँ तो आर्मी में तो जोर से कमांड देनी होती, तो कैसे चलेगा? जोर से बोल। हाँ सर बहुत अच्छे हैं यहाँ कोच सर, सुबह और शाम प्रैक्टिस होती है, बहुत अच्छे से होती है, टीचर्स भी पढ़ाने वाले भी बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए, ये हमारे देश की बेटियां हैं जो अब आर्मी के अंदर हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी ये तैयार हो रही है। बेटा आप आओ जरा आगे। किस में नाम क्या है, किस में सिलेक्शन हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमारी है और सर मेरा आर्मी फिजिकल और मेडिकल क्लियर है और एयरफोर्स एग्जाम क्लियर। अच्छा, तू भी आर्मी में भी एयरफोर्स में भी सब जगह बाजी मारोगे, मतलब लड़कों को तो फजाड़ दिया है। यस सर। तो लड़के तो बेचारे घर का काम ही करें। तो रहने वाली कहाँ की हो? सर मैं हरियाणा से, सिरसा। हरियाणा से? वाह, हरियाणा के तो वैसे ही, हरियाणा के तो खेलों में बहुत है, तो खेल में गेम्स में नहीं गई? नो सर, गेम्स में नहीं, बस आर्मी, क्योंकि हरियाणा वाले तो खेलों के अंदर मेडल लाने में बहुत आगे रहती है हरियाणा की बेटियां। तो दोनों में, तो अब आर्मी में जाओगे एयरफोर्स में? सर फिलहाल मेरिट लिस्ट आई तो उसके बेस पे, मतलब जो मेरिट लिस्ट में पहले जहाँ आ जाएगी वहीं पे। सर वहीं पे। तो यहाँ पे डिफेंस एकेडमी में भी क्या मतलब यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा, घर पे रह के यदि तैयारी करती या यहाँ पे, तो दोनों में क्या कंपैरिजन है? सर कंपैरिजन ये है कि एक तो हमारे गांव में रनिंग का नहीं है सर कुछ भी, और वहाँ पे रनिंग की टाइमिंग भी बढ़िया नहीं थी, और यहाँ पे आने के बाद सर रनिंग एकदम परफेक्ट हो गई, हाई जंप लॉन्ग जंप दोनों एकदम बढ़िया, और सर साथ में जीडी की भी तैयारी होती है एयरफोर्स की, तो वो भी बहुत बढ़िया चल रही है सर। तो भाई पाकिस्तान वालों देख लो, अब हरियाणा की बेटियां हैं वो तुम्हें युद्ध में ललकारने के लिए आर्मी में आ रही है, तो अब ध्यान रखना बॉर्डर के ऊपर। और बेटा आप? सर मेरा नाम अंजू नारा है। अंजू नारा। नारंग? नारा। नारा जी सर। और किस में सिलेक्शन हुआ? सर मेरा एयरफोर्स में। एयरफोर्स में? जी सर। एयरफोर्स में एयरमैन होगी जी सर। तो क्या कहो मतलब यहाँ पे, पहले तो रहने वाली कहाँ की हो? मैं भिवानी जिले से हूँ हरियाणा में। आप भी हरियाणा की हो? जी सर। तो भाई हरियाणा की बेटियां तो आर्मी के अंदर भी पूरा कब्जा करेगी, पहले तो गेम्स पे भी था, फौज में भी हैं। जी सर। तो हरियाणा में ऐसा क्या मतलब ऐसा क्या माहौल है हरियाणा में? हरियाणा के होते ही बेस्ट है सर। हरियाणा के होते ही बेस्ट हैं। तो यहाँ पे शंभू डिफेंस एकेडमी में आपको कैसी गाइडेंस मिली?
बहुत अच्छी सर, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है। अब जैसे एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं तो जीडी की प्रिपरेशन भी बहुत बेस्ट तरीके से होती है। ग्रुप डिस्कशन होता है क्लास में बैठा के, ग्रुप बना के उनके टाइमिंग ली जाती है और पेज दिया जाता है। जैसे मतलब वहाँ होता है ना इंटरव्यू के दौरान, वैसा ही सेम प्रोसेसर क्लास में डे बाई डे होता रहता है। और सर मोटिवेट भी करते हैं किस तरीके से बोलना है, कैसे बोलना है, कितना टाइमिंग मिलेगा, उस टाइमिंग नोट टाइमिंग भी नोट करते हैं। और बिल्कुल मतलब जैसा ग्रुप डिस्कशन वहाँ होता है उसी के अकॉर्डिंग यही होता है। तो और जो बेटियाँ जो एयरफोर्स में जाना चाहती है, आर्मी में जाना चाहती है, तो वो उनको तैयारी के लिए शंभू डिफेंस अकेडमी वो क्यों आए ये बताओ ज़रा लड़कियों को मैसेज दो इसमें देख करके। क्योंकि सर कर्नल शंभू डिफेंस एकेडमी के एक तो कोच, यहाँ का खाना, क्योंकि कोच इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से गाइडलाइन करते हैं कि बच्चा मतलब फिजिकल में रह ही नहीं सकता, 100% श्योरिटी है। और यहाँ का खाना भी ऐसा ज़्यादा मतलब सबको डाइजेस्ट हो जाए इस तरीके से। तुमको तो खाली यहाँ पे जो रिटर्न तैयारी उसी का पड़ा है, हरियाणा वाले फिजिकल में तो वैसे भी पीछे नहीं रहते। जी सर बिल्कुल। और बेटा आप? मोनिका मील। मोनिका मील, हाँ सीकर से। सीकर से एयरफोर्स पेपर क्लियर। एयरफोर्स में पेपर क्लियर हुआ है, तो कैसा मतलब यहाँ पर क्या मतलब आपको खास क्या लगा यहाँ की जिसमें आपकी तैयारी शुरू हुई? अभी पेपर क्लियर हो गया तो जीडी है और फिजिकल है, बस उसी की तैयारी करी है। और जीडी मतलब है ना जैसे मतलब वहाँ पे होती है उसी तरीके से मतलब एकदम से ग्रुप डिस्कशन होता है और सुबह शाम फिजिकल, और कोच बहुत बेस्ट है। और अच्छा आगे आओ बेटा, पहले तो परिचय दो अपना। मेरा नाम पूजा नायक, मैं लक्ष्मणगढ़ सीकर से यहीं से हूँ। पूजा नायक, हाँ। लक्ष्मणगढ़ से। लक्ष्मणगढ़ तो सिलेक्शन किस में हुआ? मेरा ITBP हेड कॉन्स्टेबल में फिजिकल पेपर क्लियर है और ITBP टेलीकॉम में फिजिकल मेडिकल पेपर सब क्लियर है। दो नौकरियां मतलब एक साथ हैं? हाँ दोनों ITBP में। तो सारी बेटियां दो दो नौकरियां ले लेके बैठी है, मतलब लड़कों का तो पता ही कट गया है। तो सर हम कर्नल शंभू डिफेंस एकेडमी में है ना, तो अच्छा ये फ़र्क है। ऐसा क्या खास है यहाँ पर? यहाँ पर सर क्लासे टाइम टू टाइम क्लासे होती है और फिजिकल दोनों टाइम होता है, तो बस क्लासे लगती रहती है। रोजाना सप्ताह में एक बार टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट से ज़्यादा फर्क पड़ता है। और आप भी सिलेक्ट हैं, आओ बेटा इंट्रोडक्शन। निकिता राड। निकिता राड, मेरे भी एक दोस्त हैं राड, वो शिखर टाइम्स में आते हैं ना मूछ वाले, देखा कभी? वो राड ही हैं। ज्योति मिर्दा है ना, मिर्दा परिवार, वो भी राड है। तो किस में सिलेक्शन हुआ? आर्मी अग्निवीर। तो कैसा मतलब घर वालों को और कैसा लग रहा है अब ये सिलेक्शन होने के बाद? सर अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आने के बाद फिजिकल देखकर लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे फिजिकल बहुत अच्छा करवाते हैं कोच सर, सुबह शाम दोनों टाइम करवाते हैं। और आप भी सब सिलेक्ट हैं, आओ आओ आओ। पहले तो पूरा इंट्रोडक्शन, और किस में सिलेक्शन हुआ? मेरा नाम कविता गुज्जर है और मेरा महिला आर्मी जीडी में सिलेक्शन हुआ है। किसमें? महिला आर्मी जीडी अग्निवीर में। तो यहाँ शंभू डिफेंस अकेडमी में कितने महीने रहे? अभी 2 महीने हैं सर मुझे यहाँ पे आए हुए। तो 2 महीने के अंदर इस मोर्चा मार लिया, एकदम पास हैं? नहीं सर एकदम आई थप, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि फिजिकल हो जाएगा, लेकिन सर इतना मोटिवेट करते हैं हर रोज़ जितना इनसे हो सकता है, बहुत मोटिवेट करते हैं लड़कियों को। जिनसे नहीं हो पाता है उनको भी आशा हो जाती है मन में कि हाँ हो जाएगा फिजिकल यहाँ पे आके। और मैरी चौधरी। तो आर्मी की लड़की है तो इतनी धीरे क्यों बोलती है? ज़ोर से बोलो ना, वहाँ तो ज़ोर से बोलना पड़ेगा है? बोलो नाम बताओ पहले। मैरी चौधरी चूरू से, और मेरा आर्मी का पेपर क्लियर है। चार आर्मी का पेपर क्लियर है बेटा, आप आ जाओ। मेरा नाम बसु कंवर सेकावत है, मैं चूरू से हूँ और मैं यहाँ पर आर्मी की फिजिकल की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ से मैंने ना आर्मी का रिटर्न क्लियर किया था। तो चूरू में कौन सा गाँव है? चूरू रतनगढ़ तहसील है और बरपालसर गाँव है। रतनगढ़ तहसील बरपालसर गाँव। बरपालसर, हाँ। तो चूरू से यहाँ सीकर के अंदर आना पड़ा, तो आने के बाद में यहाँ पे कितना टाइम रहे आप? अभी तो मैं पीछे अभी वापस आई हूँ, पहले भी मैं यहाँ पर थी आर्मी का फिजिकल के लिए, उसमें मैंने एक्सीलेंट किया था। यहाँ पर पहले तो मेरे से कुछ नहीं होता था, फिर कोस्टर ने बहुत अच्छा कराया तो मेरा वहाँ पर एक्सीलेंट मारा था मैंने आर्मी में। अच्छा आर्मी में एक्सीलेंट मार दिया, पहले कुछ भी दौड़ दाड़ में नहीं होता था मामला?
नहीं सर, दौड़ में होता था ना। अच्छा नहीं अब करें, पहले तो मेरे पास पहले से कुछ नहीं सर, यहाँ पर मेरे से राउंड दो राउंड भी नहीं लगते थे ग्राउंड के। फिर यहाँ पर आने के बाद कोच सर ने बहुत अच्छा से कराई, तो फिर मेरा एक्सीलेंट था वहाँ पर। तो कितने दिन की दौड़ की प्रैक्टिस यहाँ कितने दिन रही? सर मैंने लगभग एक डेढ़ महीने तैयारी की थी। एक डेढ़ महीने में एक्सीलेंट ठोक दिया है? लास्ट बार एक्सीलेंट मारा। वेरी गुड। बेटा आप? मेरा नाम सविता कंवर है, मैं चूरू से हूँ। अच्छा। बिदासर तहसील। बिदासर तहसील, तो चूरू से भी काफी हो गए मतलब हैं यहाँ पे? हैं चूरू से ज्यादा ही है सर यहाँ पे। तो सिलेक्शन किसमें? मेरा सीएटी पास हुआ है, अभी राजस्थान पुलिस का फिजिकल है। सीएटी मतलब ये कौन सा? समान पात्रता परीक्षा। तो इसमें नौकरी क्या मिलेगी? इसमें आगे जाके मतलब जो राजस्थान की वैकेंसी होती है ना, तो उसके पेपर लगते हैं, ये पहले पास करना जरूरी होता है इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ तो अब कोई भी और राजस्थान की जो एग्जाम होगी उसमें सीएटी देना जरूरी हो गया मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उनमें सीएटी देना जरूरी है, उसके बाद में आगे मतलब वो पेपर लगेंगे। तो ये देखिए, ये जो जितनी भी बेटियां मेरे साथ खड़ी है, ये शंभू डिफेंस एकेडमी के अंदर तैयारी के लिए आई थी, और इनका अलग अलग, किसी का अग्निवीर आर्मी के अंदर है, कोई अग्निवीर एयरफोर्स के अंदर है, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ है। और ये बच्चियाँ ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, कि इनका कहना है कि हम उससे पहले हमारी जो रनिंग वगैरह थी या हम फिजिकल के अंदर बहुत वीक थी, और यहाँ आने के बाद यहाँ के जो कोच है उन्होंने फिजिकल के अंदर में एक्सपर्ट किया, और यहाँ की जो फैकल्टी है उन्होंने पढ़ाने के लिए, क्योंकि एयरफोर्स वगैरह की जो भी एग्ज़ाम होती है उसमें पढ़ाई भी बहुत मायने रखती है, तो यहाँ की फैकल्टी भी ये अच्छी बता रही हैं। साथ ही यहाँ रहने के लिए जो हॉस्टल की जो सुविधा है वो भी है, और मेरे हिसाब से राजस्थान के अंदर लड़कियों की एक ये पहली एकेडमी होगी जहाँ से इतनी लड़कियों का सिलेक्शन हो रहा है, और अभिभावक बेहिचक अपनी बेटियों को यहाँ पर भेज रहे हैं। तो आप भी अपनी बेटियों को यदि इस फील्ड में भेजना चाहें, आर्मी एयरफोर्स या इस तरह की जो सर्विस में भेजना चाहें, तो आपके लिए ये एकेडमी आपकी बच्चियों के लिए ट्रेनिंग के लिए सबसे बढ़िया जगह है। धन्यवाद।